मैं एक चीज़ की समझ जो है ना मुझे नहीं आ रही, ये पाकिस्तानी आवाम जो है हमारी, इनको जो भी बंदा जो भी बुलाता है ये बरादरी बेस पे या यानी कि पार्टी बेस पे ये नारे मारने के लिए चले जाते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सारे जितने भी पाकिस्तानी आवाम हैं, जो बाशोर लोग हैं, जो पढ़े लिखे जवान हैं, जो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं हमारे, जो पढ़े लिखे जो तबका है हमारा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इमरान खान कुछ छोटी मामूली चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ ये अपोजिशन वाले इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये पहले किधर थे? ये जब एक दूसरे के घर में पकड़ते थे, एक दूसरे के सड़कों पर घसीटते थे, ये किधर थे उस वक्त इनका इतिहास? इन लोगों ने अपनी बारियाँ बनाई हुई हैं हमें इसको लूटने के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि सारे अभी टाइम है, ये 27 कल तारीख 27 को आ रही है, इस तारीख का टाइम है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि अपने आप को सबूत, अपनी अहलियत का सबूत देना, पूरी दुनिया को ये वाज़ह पैगाम देना, पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है। कोई इस तरह टल्लू पल्लू नहीं है कि आप लोग जिधर मर्जी छुड़ी मारी उधर हो गया। कि अभी जो 60% जो यंग जनरेशन है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इमरान खान की सपोर्ट करो अगर पाकिस्तान को आप स्ट्रगल देखना चाहते हैं। ये जो खासतौर पर मेरे ये जो आउट कंट्री के लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरी उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई ये वक्त है पाकिस्तान की सपोर्ट करने का, ये वक्त है इमरान खान की सपोर्ट करने का। ये जो वडेरा सिस्टम है, ये जो डबर बराजरी सिस्टम है, ये जो नस्ल दर नस्ल जो हम लोग बैठे हुए हैं, इनसे निकलने का वक्त है। अपने आप को जिंदा करो और कल साबित करो इस चीज़ को कि आप एक बहुत मशहूर कौम और एक पढ़ी लिखी कौम हो, जाहिल कौम नहीं हो। या अपने आप को कल साबित करो दुनिया के सामने कि हम समझने वाली कौम है, हम वो नहीं है जो छड़ी मारो जिधर करो उधर कर दो। कल 27 तारीख है, इमरान खान साहब ये मेरा खास पैगाम है आपके लिए, खास पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आपके लिए कि हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह जब तक आप इकतदार में हैं, इतनी देर तक आपकी अल्लाह ताला आपको जिंदगी लंबी दे, इतनी देर तक हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये 60% जनरेशन जो है पाकिस्तान की, ये आपके साथ है। इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं, ये पाकिस्तानी कौम सारी आपके साथ है। आप बिल्कुल ये चीज़ ना सोचें कि आपके पीछे नहीं खड़े। इंशाल्लाह हम इन ये जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है इनके खिलाफ आपके पीछे खड़े हुए हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी रहे या ना रहे, इनको सबक सिखाना। शुक्रिया, मेहरबानी।